आज तो हम काले बंदर को पकड़ के रहेंगे। अच्छा हुआ बिट्टू भैया भी आ गए। सुनिए, हम लोग ना तीन टीम्स में काम करेंगे। लवली, तुम निम्मी भाभी के साथ ही रहना। हाँ। बिट्टू भैया और मैं अलग अलग डायरेक्शंस में जाके पहरेदारी करेंगे, ठीक है? चलो शुरू करते हैं। निम्मी देव जी, ये डंडा आप दोनों की रक्षा करेगा। हाँ, एकदम डरना नहीं काले बंदर से। तुम चलो उधर देखो। ठीक, चलो कार्तिक, चलो। चलिए चलिए। काला बंदर, काला बंदर आज आएगा ना भाभी? तनु की है, ढूंढ लेंगे ना, आएगा तो देख लेंगे। हाँ। है ना? अब आप कहीं नहीं जा सकती भाभी, क्योंकि मैं आपकी पहरेदारी कर रही हूँ। अबे कौन है बे? जी हिम्मत है तो सामने आ। ओए लवली, मैं जरा लकी को देख के आती हूँ। बेचारा अकेले सोया है, पता नहीं आवे ही खुला पड़ा होगा, सर्दी वर्दी लग गई तो। मैं देख के आती हूँ। अभी मैं भी चलती हूँ, मुझे बहुत प्यास लगी है। चल साथ में चलते हैं। आई आई ना। जा बेटे काले बंदर, आज मैं निपटूंगा तुझसे। ये पाईगढ़ की कसम, तू भी क्या याद रखेगा, बिट्टू जी से पाला पड़ा। हाँ, काले बंदर! अरे बिट्टू भैया, मैं हूँ। आपको लगा कि काला बंदर, और मुझे पकड़ने की बजाय आप डर के भाग लिए। मैं डरा नहीं था। वो नहीं, कार्तिक बच गया तू। हाँ जी, पता है, नहीं तो मैंने ना काला बंदर समझ के ना तेरा सर फाड़ देना था। हाँ। आप मेरा सर फाड़ने वाले थे? हाँ, दिख रहा था, समझ गया। मैं डरा नहीं था, मैं चौंक गया था। हाँ, चौंक गए थे। मैं समझ गया कि आप चौंक रहे हो। ठीक है, अब पहरेदारी कीजिए बिना डरे। अब बिना चौंके। कैरी ऑन। जागते रहो। मैंने जरा बाथरूम जाना है। मैं भी चलती हूँ आपके साथ। ओए हद कर दी तूने, हर जगह मेरे पीछे 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 घूम रही है। कमाल कर देता, मर जाने कम से कम बाथरूम में तो अकेले जाने दे। हाँ भाभी, लेकिन वो मैं अकेली यहाँ पे। ओए अकेली कहाँ है तू, वो दोनों है ना? हाँ लेकिन मगर ओए होएश है ना। ये आप दोनों क्या कर रहे हैं? ये हो रही आप दोनों की पहरेदारी? ऐसे सोते रहे ना तो हो चुकी पहरेदारी। लवली, मैं सोया नहीं था, मैं बस ऐसे ही थोड़ी देर बैठा था। अच्छा, हाँ वो तो मैं देख ही रही हूँ। और जी कैसी बातें कर रहे हो लवली? और जी बिट्टू जी की ना सिर्फ आंखें बंद थी, दिमाग तो खुला हुआ था ना। और जी जैसे बड़े बड़े महापुरुष होते हैं, और जी वो अपने दिमाग की शक्ति से ब्रह्मांड में कुछ भी ढूंढ लेते हैं, वैसे ही मैं भी काले बंदर को ढूंढ रहा था। काले बंदर? अच्छा अच्छा ठीक है, अभी आप दोनों अच्छे से पहरेदारी कीजिए। वो तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन तुम अकेले क्या कर रही हो? भाभी कहाँ है? भाभी काफी देर से अंदर गई हुई है, पता नहीं अभी तक बाहर नहीं निकली। मैं जाके देखती हूँ। देखो देखो
शायद भाभी होंगी। ये निमी भाभी कहाँ है? कहीं अपने कमरे में तो नहीं है? हाँ वही होंगी। उनके मकान मालिक ने धमकी दी है कि दिवाली से पहले स्वीट होम खाली नहीं किया तो धक्का मार के निकालेंगे। कहीं निमी भाभी गुप्ता जी के बेटे को सबक सिखाने के लिए तो नहीं चली गई? नहीं नहीं, किसी भी हाल में मुझे उन्हें रोकना ही होगा। भैया एक काम करते हैं, मैं 5 मिनट के लिए सो जाता हूँ, आप तब तक ध्यान रखना। बार की कसम एकदम सही कह रहा है तू कार्तिक, अजी 5 मिनट के लिए मैं सो जाता हूँ, तू ध्यान रख ले, है ना? भैया बड़ा कौन है, आपको आपके छोटे भाई का ध्यान रखना चाहिए। ढोला रे पहरेदारी करेंगे तो दोनों करेंगे, नहीं तो दोनों ही सो जाएंगे। हाँ
मतलब उसे चोट लगी है, ज्यादा दूर नहीं गया होगा वो, यहीं कहीं है। एक बार चलते हैं। भैया रोज ऐसे ही पहरेदारी करनी पड़ेगी क्या? जी वो तो पता नहीं पेट में ना गुड़गुड़ हो रहा है कार्तिक। हाँ जी बड़ा इमरजेंसी हो गई लगता है। काला बंदर तो आया नहीं। कहाँ चली गई थी? कब से ढूंढ रहे थे? अजी कहाँ चली गई थी तुम? अजी बायगार्ड की कसम निमी देवी जी पता कितनी परेशान हो गई थी। हाँ आप लोगों के कहने का मतलब ये है कि निमी भाभी यही आप दोनों के साथ थी? हाँ मुझे कैसी बातें कर रही है ये? लेकिन भाभी मैं तो आपको हर जगह ढूंढ रही थी, आप मुझे कहीं नहीं मिली। आपको ढूंढने में ही तो इतना टाइम लग गया। जब ये यहीं थी तो उन्हें ढूंढने जाने की क्या जरूरत थी? और तुम उन्हें ढूंढने कहां गई थी जो इतनी देर लगा दी तुमने? ओए होए कार्तिक बस कर, किन्ने सवाल पूछेगा? जो हो गया ना सो हो गया। ओहो बेचारी देख कितनी थक गई है, 2 मिनट उसे सांस तो लेने दे। लवली तू ऐसे ही रुका, मैं अभी तेले पानी लेके आती। अगर वो भाभी ही थी तो उनके पैर में तो चोट लगी थी, लेकिन अभी तो ये अच्छे से चल रही है। मुझे देखना ही होगा। रात बहुत हो गई है ना तो तू थक गई होगी, जाके तो सो जा, बात ना हम कल कर लेंगे। हाँ लग रहा है नस्ते विच नस चढ़ गई है, बड़ी तेज उठ रही है जी।
दीजिए, मैं दबा देती हूँ। आपको जरूर क्रैम्प आ गया होगा, मैं दबा दूंगी एक बार तो ठीक हो जाएगा। ओए नहीं नहीं नहीं, रहने दे, ठीक हो जाएगा। वो क्या है ना, तू दबाएगी ना तो नील पड़ जाएगी ना, इसलिए। ठीक है, मैं ठीक कर लूंगी। भाभी मैं जानती हूँ कि आपने अपना पैर मुझे क्यों नहीं छूने दिया, पर सच्चाई तो सच्चाई होती है, एक ना एक दिन सबके सामने खुद ब खुद आ जाएगी। अरे ये शिबू का है, नाश्ते के लिए नहीं आया? अरे उसे खाने पीने का शौक कहाँ है, ना होश है, सुबह सुबह ड्यूटी पर चला गया। पुलिस की नौकरी में तो ये भागा दौड़ी चलती रहती है। आज आदि की अस्पताल से छुट्टी हो जाएगी तो हमारे जीवन की भाग दौड़ भी थोड़ी कम हो जाएगी। जी सर, छोटी दिवाली के दिन हमारा बेटा घर वापिस आ जाएगा, उससे बड़ी बात और क्या होगी हमारे लिए। हाँ मासा, छोटी दिवाली भी ना इस बार हम बड़ी दिवाली की तरह मनाएंगे, खूब धूमधाम से, खूब सारी मिठाइयाँ बनाएंगे, खूब सारे दिए जलाएंगे, क्यों भाभी? हाँ हाँ क्यों नहीं, ये भी कोई कहने वाली बात है जी। जी ठीक है, फिर आज रात ही माता का जगराता रख लेते हैं। आदि की सलामती के लिए मन्नत मांगी थी। आप ठीक कह रही हैं अम्मा सा, जागरण आज ही रख लेते हैं, इससे आपकी मन्नत भी पूरी हो जाएगी। प्रसिद्ध समाज सेवी और जयपुर के प्रमुख उद्योगपति दिवंगत राधेमल गुप्ता के सुपुत्र एके गुप्ता पर कल रात जानलेवा हमला हुआ है। जैसा कि हम जानते हैं कि स्वीट होम अनाथ आश्रम गुप्ता परिवार की देखरेख में, तो आइए हम देखते हैं कि क्या कहते हैं गुप्ता जी। पता, अकेला कमरे में सो रहा था, पता नहीं कब अचानक से वो काला बंदर मेरे कमरे में आ और मुझ पर हमला भी कर दिया। मेरे सारे नकदी सारे जेवर लेके घर जहां से चला गया, और ये देखो ये मेरे घर के सबसे जरूरी कागजात सब जला गया, वो क्या करूं? अरे बिट्टू आवाज कम कर। अरे इस काले बंदर ने तो चैन से नाश्ता करना भी हराम कर दिया, जब देखो लूटपाट, जब देखो लूटपाट। वो सब तो ठीक है, लेकिन उसने कागज क्यों जलाए? एक बंदर को क्या पड़ी है कागज जलाने की? छोड़िए ना पापा, हमें हॉस्पिटल भी जाना है, भैया राह देख रहे होंगे। हाँ हाँ चलो चलो। ये तो स्वीट होम है। हाँ यही तो हमें टीचर लेके गई थी। कल रात जहाँ स्वीट होम की देखरेख करने वाले गुप्ता परिवार पर जानलेवा हमला हुआ है, सूत्रों के मुताबिक कल रात स्वीट होम के मैनेजर को एक रुपयों से भरा बैग मिला है, और उन रुपयों से स्वीट होम के मैनेजर ने सारे कर्ज चुकाकर स्वीट होम को बंद होने से बचा लिया है। यहाँ बच्चों के चेहरे पर खुशी की लहर देखी जा रही है, और बच्चों का कहना यह है कि ये काम किसी और का नहीं बल्कि गरीबों के मसीहा काले बंदर का। अब इनके घर से कोई नहीं निकाल पाएगा, है ना मम्मा? इनको कोई नहीं निकाल पाएगा ना? जो पापा नहीं कर सके वो काले बंदर ने कर दिया। अरे इस मुए काले बंदर ने कोई काम तो अच्छा किया, वरना सुबह सुबह लूटपाट की खबर सुनकर मारा तो जी घबराने लगा था। कौशिक की पांच बहू